ये गंदगी की ज्यादा समस्या है, घरों में पानी जा रहा है। पचासों बार इसकी कंप्लेन हो चुकी है लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, ना तो इसके फुटपाथ बना हुआ है, बच्चे बूढ़े सब गिरते रहते हैं वहां पे, ऐसे उखड़े पड़े हैं सारे के सारे फुटपाथ। लेकिन 5 साल से वो नदारद है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई सफाई कार्य नहीं, नालों का आप देख लीजिए। जब वोटिंग के टाइम होती है ना, जब इनको हाथ जोड़ने आते हैं 6 महीने और कुछ नहीं करते हैं। देख लो कितनी बीमारी, पहले खुद तो बैठे खूब साफ सुथरे में, जाते जाते लेटिन के दफ्तर हुआ दफ्तर में जाते हाँ जाएंगे, अब देखो जाके गली में कैसे सीवर भरे हुए हैं। ना ही कोई झाड़ू वाला है, ना ही कोई सफाई सीवर की सफाई वाला आता है। नमस्कार, नेशनल लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दिल्ली के हर क्षेत्र हर वार्ड की जमीनी हकीकत हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम मंगोलपुरी विधानसभा के मंगोलपुरी वार्ड ए में आ पहुँचे हैं। मंगोलपुरी वार्ड ए की जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के लोगों से हम ये जानेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ के पार्षद कृष्णा ने क्या काम किया है, जनता का भरोसा कितना जीता है। हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद है, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि कृष्णा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है। एक बार फिर से निगम चुनाव दिल्ली के दरवाजे पर आप पहुँचे हैं, तो बताइए आंटी जी, इन 5 साल के कार्यकाल में कृष्णा ने, जो आपकी पार्षद है, कितना काम किया है? आपने उनको वोट देकर 2017 में जिता दिया था। मेरी बात सुन ले, कांग्रेस का जा ना खाया तो खुआया भी, और या जब बीजेपी आई ना कहे कि बीजेपी है, ये तो वारा ढोंगी बैठा कौन पकड़ ली, मैं भी पकड़ने वाली मारे मोदी तो डरू ना मरा। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में आपके घर के बाहर जो नालियां है उनमें कितना काम हुआ है? आई 5 साल के कार्यकाल में इस गली में आपके वार्ड में कितना काम हुआ? कुछ रहा भी नहीं हुआ। आप नालियों के बारे में पूछो, काउंसलर का काम पूछो ना, एमसीडी किसके अंडर है बताइए आप, किसके अंडर है? आपने वोट दिया है ना बीजेपी के अंडर है एमसीडी, और बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की लड़ाई के चक्कर में काम नहीं हो रहा। केजरीवाल और बीजेपी की लड़ाई में काम नहीं हो रहा, मतलब मैं काउंसलर को बदनाम कर रहे हो? काउंसलर के हाथ में नहीं है काम, काम है बीजेपी का जो मेयर है, जो एमसीडी का मेयर है वो कराएगा काम। आवाज कौन उठाएगा? आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाएगा क्या क्या के धक्के कोई नहीं सुनता है। देखो सीवर फटे पड़े हैं, देखो ना सीवर पानी, देखो नाली गलियों में, देखो पानी। अभी जेई को फोन किया था, जेई ने भी नहीं उठाया था, उससे पहले 3 बार कंप्लेंट करी हुई है, कोई नहीं सुनता है। और ये आपने सुनवाई करने की आपने पूरी कोशिश करी है उनसे बातचीत करने की, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? ये जेई है, जेई का नंबर है ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल करी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उससे पहले 3 बार कंप्लेंट हुई है सीवर की, सीवर अभी भी भरा पड़ा है और ऐसे ओवरफ्लो होते रहते हैं रोज आना यहाँ पर, ऐसे मतलब ओवरफ्लो ही रहता है। और ये नालियों के ढक्कन तो खोल गए, नाली की सफाई हुई आधी अधूरी, लेकिन इनके ढक्कन खुले हैं अभी भी। देखिए, निगम चुनाव जो है दिल्ली के सबसे छोटे और सबसे खास चुनाव होते हैं। निगम चुनाव की जो राजनीति है ये दिल्ली वासियों के दरवाजे खोलते ही शुरू हो जाती है, यानी कि नाली हो गई, सड़कों के गड्ढे हो गए, रोड लाइट हो गई, ये तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं ये दिल्ली निगम के अंतर्गत आते हैं, एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद है, आप ये बताइए कि कितना काम हुआ है इन 5 सालों में निगम का काम, आपके वार्ड का काम कितना काम हुआ है? नहीं, काम दिख नहीं रहा है आप लोगों को, आप लोग दिखाओगे तब तो दिखेगा। हम तो दिखाने के लिए ही यहाँ तक आए हैं। हाँ तो दिखाओ ना ये सब काम। तो आप बताइए हमें कि 5 साल तो बीत गई ना, 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ निगम पार्षद, देख लो ये देख लो। अरे पार्कों की बुरी हालत है, पार्क में देख लो, पार्क की बुरी हालत है। आज 7 साल से ज़्यादा इसकी कम से कम 50 बार इसकी कंप्लेंट हो चुकी है लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, ना तो इसके फुटपाथ बना हुआ है, बच्चे बूढ़े सब गिरते रहते हैं वहाँ पे, ऐसे उखड़े पड़े हैं सारे के सारे फुटपाथ पूरी, जो यानी कि औरतें सबसे ज़्यादा जाती हैं तो औरतों के लिए चलने लायक ही नहीं है, सारे में ऊबड़ खाबड़ और टूटा हुआ पड़ा हुआ है फुटपाथ। बारिश के समय में पानी यहाँ जो है भर जाता है, गड्ढे भर जाते हैं, बीमारियाँ पनपती है, बहुत समस्याएँ होती है, तो उनकी कोई निकासी के लिए व्यवस्था की जाती है? कोई नहीं आता निकासी करने, अपने आप निकलता रहता, भरा रहता कूड़ा सड़क पर ही, पानी भी भरा रहता है इधर से, ओवरफ्लो जो होता है इधर बीच में सी ब्लॉक की तरफ, वहाँ पूरा का पूरा पानी भरा रहता है और सड़कें उखड़ी हुई हैं आज 5 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। मैं
बैंक से पैसा कैसे निकले वो जरूरी है कि काम जरूरी है? बैंक से पैसा निकालना पास करवाना वो जरूरी है, वो काम हो जाता है, लेकिन काम रोड पे कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए, डिस्पेंसरी हो गए, छोटे अस्पताल हो गए, ये सारी जिम्मेदारी पार्षद के अंतर्गत आती है। ये जो जितना भी काम है, डिस्पेंसरी में कोई दिक्कत नहीं है, दवाई मिली डिस्पेंसरी में जाओ। ये नाली तो बीजेपी के अंदर है ना, एमसीडी वाले में काम नहीं हो रहा ना। आप वैसे बदनाम मत करो काउंसलर को। अच्छा, आपके कुछ लगते हैं क्या खास? मेरे कोई खास नहीं लगते। हम तो यही पूछ रहे कि अगर कुछ काम किया है तो वो काम बताइए, कुछ काम किया है तो वो काम बताइए, कुछ काम नहीं किया है तो वो काम बनवाइए। ये टूटी थी, ये बनवाइए उन्होंने। यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ कुछ नहीं करा। चल मैं मोदी का मोदी पर भाषण पारक में दुआ दा, वो रहा या मैं रही, देख मैं कैसा हाल करूँ उसका। रोड लाइट को लेकर के आपके वार्ड में कितनी व्यवस्था है? रोड लाइट को लेकर के यहाँ कितनी व्यवस्था करी गई है? रोड लाइट तो आती है खैर भैया, पर ये गंदगी की ज़्यादा समस्या है। घरों में पानी जा रहा है, ये गटर जो भरे हुए हैं घर घरों में पानी, किसी किसी के घर नीचे उनके घरों में पानी जा रहा है गटर। गंदगी की निकासी की जो है यहाँ पर व्यवस्था नहीं करी गई है, नालियों की सफाई नहीं होती है? नहीं होती, कहाँ हो रही है, देखो जरा कहाँ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही साफ़ सफाई। तो वैसे वैसे गंदगी है, निकलना भी दुश्वार है गली से बाहर। कचरे की गाड़ी आती है समय पर? कचरे की गाड़ी तो आती है, कूड़ा लेने आते हैं वो, तो खैर गाड़ी तो आती है, लेकिन ये ज़्यादा गंद है ना, इसी से तो बीमारी फैलेगी। बीमारी तो ये है ना, बीमारी तो फैलेगी। घर घरों में पानी जा रहा है, लोगों के गटर सारे भरे पड़े, आगे जाके गली में ले जाओ आप, फिर देखो वहाँ परली तरफ क्या हाल है घरों के आगे। आवारा पशु वगैरह बहुत घूमते हैं, बच्चे वगैरह खेलते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, उसको लेकर के व्यवस्था करी जाती है यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया जाता है यहाँ पे। लुगाई नहीं सिमली अपनी तो वो देश को क्या संभाल लगा? देख लो कितनी बीमारी फैले, खुद तो बैठे खूब साफ सुथरे में, जाते जाते लैट्रिन के दफ्तर हुआ दफ्तर में जाते हाँ आ जाएंगे, देखो जाके गली में कैसे सीवर भरे हुए हैं, लैट्रिन निकल रही है, गटर के बोलिए बड़े सरकार नंबर लाए, उनने भी साफ नहीं करवाया भाई। बच्चों के लिए पार्क वगैरह इसकी कोई व्यवस्था है? सब गंदे पड़े हुए हैं, कोई चीज़ की सफाई नहीं है। तब तक बोटिंग नहीं होगी, जब तक तो करवा देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अब तो 5 साल का कार्यकाल तो खत्म होने वाला है, आपके दरवाजे पर चुनाव जो है वापस से आ जाएंगे, निगम के वापस से नए प्रत्याशी जो है वो अगर कहेंगे कि हम आपके लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे, क्या लगता है आपको ये बस चुनावी झुंझुने पकड़ा देते हैं? झुंझुने ही पकड़ाते हैं, कुछ भी नहीं करते भाई। और भी यहाँ पर युवा साथी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानते हैं कि इन 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं काम हो रहा है। ये देख लो, नाली देख लो, रोड देख लो, वही बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये बच्चों के पैरों में लग लग के जो घर पे जा रहा है। फिर आप तो ये जो सारी समस्याएं है आप इनकी शिकायत करते होंगे, तो उसको लेकर के क्या काम होता है? शिकायत हर बार यही चल रहा है, कोरोना चल रहा है, बस कोई शिकायत नहीं है, सब बेवकूफ है। ये ना 6 महीने आते हो हाथ जोड़ते हुए, उसके बाद 4.5 साल भूल जाते हैं कि कुछ करना है नहीं करना, इन्हें और कुछ नहीं है बस। जब वोटिंग के टाइम होती है ना, जब इनको हाथ जोड़ने आते हैं 6 महीने, और कुछ नहीं करते ये। अब ये देखना है क्या हो रहा है, आप दिखाओगे वो कैमरे से? दिखाना एक बार, ये बताइए कि जीतने के बाद यहाँ पर जो पार्षद है वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं? एक बार आप निगम पार्षद जी के पास जाके पूछोगे कि आप कितने टाइम में बीवलोक में चक्कर मारते हो, आप पूछोगे एक बार जाके? जीतने के बाद में कभी आपके पास नहीं आया कि आपकी क्या समस्या? आते हैं लेकिन आगे झमेला दे जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। नहीं कि आपको झुंझुना पकड़ा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता। आप यहाँ की हालत देखो, पार्क में जाके देखो हालत, पता लगेगा ना। पार्क वगैरह में बच्चे वगैरह खेलते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, बड़ी समस्या होती है, बैठना दुब्बर हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है क्या? आप ये देख लो, जब गली के बाहर व्यवस्था नहीं है, पार्क में क्या कोई व्यवस्था कराएगा? ये कितनी गंदगी हो रही है, बच्चे आएंगे गली के बाहर, कोई सामान लेने को लेडीज आ रही है, सब उनके पैरों में लग के उन्हीं के घर में जाएगा, उससे बीमारियां नहीं होगी? कचरे वगैरह की गाड़ी यहाँ पर नियमित रूप से आती है? किसके? नहीं कोई नहीं आती। 25 तारीख को नाली की सफाई करी थी, तब से ढक्कन आते वो खुला पड़ा है, इधर भी खुला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई इन पर काम नहीं हो रहा है। उनको बोला था इसको करेंगे तो करेंगे, नहीं बाद में करेंगे, कोई आया ही नहीं। फिर बाद में कब, अब तो वापस चुनाव आने वाले। चुनाव तो छोड़ो, ये ढक्कन तो लगाना चाहिए उनको ना, चुनाव वाले। देखिए फिर से यहाँ पर जो है जनरल सीट की दावेदारी है, चुनाव के टाइम पे हाथ जोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, सबको जुमला दे जाएंगे, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता, ठीक है, ये क्लियर है एकदम ही। और नहीं तो आप देख लो कि 5 साल में हुआ क्या, एक बार किसी को बुला के पूछ लो। चुनाव के बाद में यहाँ के जो पार्षद है या कहीं के भी पार्षद, नेताओं की फितरत रहती है, कहा जाता है कि जब चुनाव रहते हैं तब तो वो बड़ा जनता से मेल मिलाप करते हैं, जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद वो कहीं और चले जाते हैं घूमने फिरने,
देखिए हमने आपको लगातार हम आपको दिल्ली के हर वार्ड की हकीकत बता रहे हैं, जनता से हमने बातचीत करी, ये जाना कि कितनी समस्या है यहाँ की जनता को। ये पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, नया प्रत्याशी कोई आएगा उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को आप झुंझने मत पकड़ाइए, हकीकत देखिए, आप यहाँ रहकर देखिए आपको कितना मुश्किल हो जाएगा। हम नेशन लाइव आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत दिखाएगा। मंगलपुरी वार्ड ए के यहाँ के युवा साथियों ने हमें यहाँ के पार्क के हालात का जायजा लेने के लिए बुलाया है। इन्होंने बताया कि आप एक बार पार्क देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पार्क की जमीनी हकीकत। ये आप देखिए, पार्क में जैसे ही एंटर हो जाते हैं यहाँ पर कूड़े की भरमार है, जगह जगह पर यहाँ पर अव्यवस्था आपको दिखेगी। आपको दिखेगा कि ये पार्क पार्क नहीं, असल में एक जंगल लग रहा है, दिल्ली का एक ऐसा जंगल जहाँ मजबूरन बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ मजबूरन यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति आराम कर रहे हैं। उनके दिल में ये इच्छा होती होगी कि अगर ये पार्क साफ़ सुथरा होता, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होती तो तमाम यहाँ के जो निवासी है उन्हें बड़ी सुविधा होती। लेकिन इस पार्क के हालात बद से बदतर है, यहाँ जगह जगह पर कूड़ा है, यहाँ पर जिस तरह की गंदगी है, कांटे और कंटीले झाड़ यहाँ पर जगह जगह पर उगे हुए हैं। बच्चे अगर यहाँ खेलते हैं तो बीमार होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। हम आपको दिखाएंगे कि इस पार्क में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ के बच्चों के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बनाई गई हो, यहाँ के बुज़ुर्गों के लिए अच्छी तरीके से कोई चीज़ बनाई गई हो। ऐसे आप देख सकते हैं कंटीले झाड़ जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन झाड़ में कई प्रकार के ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं जिनसे बच्चों को खतरा हो जाता है, या बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जो अगर संक्रमित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पार्क के बीचों बीच एक लाइट है, लेकिन लाइट जो है कहने की लाइट है, लाइट का नामो निशान नहीं है। रात्रि के समय में ये पार्क जो है किसी भयानक जंगल की तरह आपको दिखेगा। बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं इनसे कि ये जो पार्क का जो आप हम दिखा रहे हैं आपको हालत यहाँ पे कब से है ये, और थोड़ा बहुत भी जो यहाँ पर सही हमें दिख रहा है आखिर वो किसने किया है? केमचंद जी, देखिए ये पार्क जो है हमने जब देखा तो बड़े बुरे हालात है इसके, कब से है ये? इसके हालात काफ़ी टाइम से बुरे ही हैं, जब से यहाँ हमारे काउंसलर जी जीते हैं। उन्होंने आश्वासन ही दिया है कि फंड आएगा फंड आएगा फंड आएगा, दोबारा इलेक्शन सर पे है, लेकिन अभी तक फंड नहीं है। इस पार्क में जितनी भी साफ़ सफाई करते हैं, कुल मिला के बच्चे बुज़ुर्ग जितने भी हैं सारे खुद ही करते हैं। जितने भी संडे को छुट्टी होती है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं खुद आके सब साफ सफाई करते हैं। बाकी आप यहाँ की हालत देख लो, एक मरकरी लाइट है, ठीक है, उसका खाली खंभा खंभा खड़ा है, 5 लाइट है उस पर एक भी नहीं है। रात को ऐसा अंधेरा हो जाता है यहाँ बैठने लायक नहीं है। अब आप एक बात बताओ, दिन में बुज़ुर्ग लोग जो घर में होते हैं वो पार्क में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब आप किसी कंडीशन में दिखा दोगे कि ये पार्क है? हम तो पहले कह रहे हैं पार्क देख जंगल लग रहा है, यहाँ लाइट नहीं है, यानी कि आपके जीवन में अंधेरा कर रखा है। आप इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये गंदगी में खेलने लायक है क्या? यानी कौन, जितने भी नेता होते हैं चाहे कोई भी है, काउंसलर है MLA है, सब एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं कि उसका काम है उसका काम है, और 5 साल में क्या फंड नहीं आया कोई? अगर 5 साल में फंड आ गया होता तो आज ये पार्क बैठने लायक उठने लायक होता। फंड तो आ गया है उनके पास, तो फंड आ गया है। अब वो तो हमें तो यही कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। अब हम कोई उनके पास देखने थोड़ा ना जा रहे कि कितना फंड आया कितना नहीं आया। आप कहोगे एप्लीकेशन इस पार्क की ऐसी ऐसी लगा रखी है कि बस हो जाएगा, बाद में आ गया कोरोना, आ गया कोरोना के चक्कर में। अरे कोरोना ही बीमारी है, यहाँ गंदगी है उससे बीमारी नहीं है, और कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा? आप बताओ इसमें क्या किसी का क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि जैसे तैसे करके, अब उनकी मजबूरी है ये, उनके बच्चों को यहाँ खेलना है, बुजुर्गों को यहाँ पर जो है शाम की ठंडी हवा में समय व्यतीत करना है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इस बदहाली में इनको सभी करना पड़ता है। अभी तो हाल सुनवाई नहीं हो रही है उनकी, फंड आ रहा है, जनता जवाब चाह रही है कि अगर ये फंड जा कहाँ रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि फंड आ नहीं रहा, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। कोई कहता है ये BJP की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है। आखिर जनता को ये कौन बताएगा, किसकी जवाबदेही है कि ये जो काम नहीं हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? जनता बड़ी परेशान है। यहाँ और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बड़े बुरे हालात में बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, बीमारियाँ पनपती है, कोरोना का टाइम है, इसमें और भी संक्रमण होने के खतरे रहते हैं। हम आपको लगातार हर जगह की हकीकत दिखाएंगे, हर वार्ड के हर पार्क की हकीकत भी दिखाएंगे। आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नेशन लाइव की टीम दिल्ली के जनता के घर के बाहर पहुँची है। दिल्ली की जनता के घर के बाहर से एक राजनीति शुरू होती है। दिल्ली के सबसे छोटे चुनाव निगम चुनाव की वो राजनीति जो दिल्ली की जनता के लिए होती है। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें नज़ारा कुछ और देखने को मिला।
हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मंगोलपुरी विधानसभा के मंगोलपुरी वार्ड ए में मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से रूबरू होंगे, जानेंगे कि उनकी पार्षद जिनको 2017 में जनता ने आशीर्वाद दिया, पद पर बिठाया कृष्णा, उन्होंने कितना काम किया जनता के लिए, जन सेवा का जो तमगा पहन के घूमते रहते हैं उन नेता से आज हम कहना चाहेंगे कि जब जनता आपकी पोल खोलेगी तो आपको कैसा लगेगा, जरा सुन लीजिएगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा मदन शौकीन नाम है। मदन जी, ये जो वार्ड है इसके हालात के बारे में कुछ बताइए हमें। सर, हालात तो इतने बुरे हैं कि कोई बयान नहीं कर सकते, और हम 5 साल पहले कृष्णा परमाल हमने यहाँ पे काउंसलर के रूप में नियुक्त की थी, लेकिन 5 साल से वो नदारद है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई सफाई कार्य नहीं, नालों का आप देख लीजिए, कोई उन्होंने अपने बजट से यहाँ पे इसमें कोई भी एक भी वर्क एमसीडी का कोई कराया नहीं है, और वो दिखती नहीं एरिया में, तो बताओ ऐसे ऐसे नेता का हम क्या करेंगे। वोट मिलने के बाद में, पद पर बैठने के बाद में वो जनता की आंखों से ओझल हो गई है, एक बार भी यहाँ का दौरा नहीं किया क्या? एक बार भी नहीं, 5 साल में ये सब कर रहे हैं, हमारे सारे गाँव वासी हैं यहाँ पे, और कोई हमारे यहाँ 40-50 वर्कर हैं सफाई के, कोई गलियों में नहीं आता, हम खुद क्या नाम है लगा लगा के झाड़ू सफाई कार्य करवाते हैं, बहुत बुरा हाल है। कचरे की गाड़ियों को लेकर के क्या प्रबंध किया गया इन 5 सालों में, कितना काम हुआ है? 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई झाड़ू मारने वाला आता यहाँ पर, ना कोई नाले की सफाई करने वाला, नाले भरे पड़े हैं, नालों का गंदा पानी ऐसे ही बहता रहता है, सीवर का पानी नालों में बहता रहता है, और यहाँ पर जब से वो 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने दर्शन भी नहीं हुए हैं जब से वो बनी है यहाँ के निगम पार्षद। नेता जी अभी नदारद है, न जाने कहाँ है, मौज कर रहे हैं, और जनता जो है बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ की जनता बता रही है कि उन्हें खुद अपनी ही जेब से पैसा खर्च करके अपने काम करवाने पड़ते हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, और हमने जो है 5 साल पहले निगम पार्षद को इसलिए बनाया था कि हमारे गाँव की थी, मगर हमें नहीं पता था कि ये 5 साल के बनने के बाद में कभी आएगी नहीं, और अगर जो आज भी यहाँ आ जाती है वो, तो हमें हमारी पहचान में नहीं आएगी वो, क्यों कभी 5 साल में हमारे यहाँ गलियों में या कभी कोई भी काम या नाला देखो आप, और ये कष्ट ये देखो, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन्हीं की देन है, और ना ही कोई झाड़ू वाला है, ना ही कोई सफाई सीवर की सफाई वाला आता है, हमें खुद करवाने पड़ते हैं अपने आप, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसे परेशान हैं। आपने अपना समझ के वोट दिया था, लेकिन राजनीति ऐसी शतरंज है कि वो अपनों को भी पराया कर देती है, जब राजनीतिक पद आ जाता है तो अपनों को भूल जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल में रोड लाइट को लेकर के यहाँ कितनी व्यवस्था करी गई है? यहाँ ना तो कोई कभी कोई व्यवस्था हुई है, लाइटें हैं वो हमने अपने आप अपने से लगवा रखी हैं, या कोई NDPL से मतलब रिक्वेस्ट करके लगवा रखी हैं, उन्होंने ना ही कोई लाइट लगवाई है, ना ही कोई रोड बनवाया है, ना ही कोई नालों की सफाई करवाई है, ना ही कोई नाला बना है, हमारे यहाँ 5 साल में एक पैसे का भी काम उन्होंने नहीं किया है। आप खुद जो है अपने जेब से पैसा खर्च करने के बाद यहाँ काम करवाते हैं, पार्क वगैरह की साफ सफाई करवाते हैं, उनकी तरफ से जो बजट आता है सारा का सारा बजट जाता कहाँ है फिर? सर, यही तो हमें समझ में नहीं आता कि ये बजट जा कहाँ रहा है, यहाँ पर हम अपने खुद पैसों से सफाई कर्मचारी को पैसे दे के अपनी सफाई करवाते हैं, और नालों की भी सफाई करवाते हैं, और अपने खुद के पैसे लगते हैं, उनका बजट हमारी तो समझ से बाहर जाता कहाँ है। देखिए, बड़ी समस्या होती है जनता को, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो पार्क वगैरह है, पार्क बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्ग जो है शाम को अपना समय व्यतीत कर पाते हैं, बच्चे खेल पाते हैं, छुट्टियां मना पाते हैं, पार्क की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर, हमारे यहाँ मंगोलपुर कला में 2 पार्क हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, वो सिर्फ उसमें घास का तिनका तक नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई बिजली के मीटर के तार टूट गए हैं, हमारे निगम पार्षद ने आगे कभी देखा नहीं, एक हनुमान मंदिर के पास पार्क है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ रात को 7 बजे के बाद तो चोर उचक्के बैठने शुरू हो जाते हैं, कहाँ से लेडीज आएंगी, कहाँ से उनको जा ही नहीं सकती, और पार्कों में कोई बजट का एक 10 रुपये का कम हमारे निगम पार्षद ने इन 5 सालों में हमारे पार्कों में किया ही नहीं है। देखिए, बड़ी मुसीबत होती है महिलाओं के लिए, अगर रात के समय वो बाहर निकले, अगर रोड लाइट नहीं है तो बड़े खतरे रहते हैं, और इन सबको लेकर के यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं करी गई है कि महिला सुरक्षित रह सके? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित के लिए, यहाँ पर पार्कों में 6-7 बजे के बाद छोटे छोटे बच्चे नशा करने लग जाते हैं, जिससे गाँव की औरतें पार्क में डर के कारण जाती भी नहीं है, और आप यहाँ के नाले के हालात देख ले, आप देख लीजिए, आपके सामने ही है ये नाले बिल्कुल भरे हुए। यहाँ के निवासी ये कह रहे हैं कि नशा जो यूथ को ख़राब करता है उसको लेकर के बड़ी समस्या रहती है और बहुत तमाम परेशानियाँ हैं। नेशनल लाइव आपको हर बार
हर नए क्षेत्र की हर नए वार्ड की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा। अब बने रही नेशनल लाइव के साथ, कैमरा पर्सन रोहित जोशी के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशनल लाइव।